सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा कछुआ है यहाँ पे, काफी बड़ा कछुआ है और ये भाग रहा है, काफी पास आ गए हैं लेकिन अभी ये भागने की तैयारी में है। और ऊपर में देखिए आप, वहाँ पे दो तीन कछुए और तैर रहे हैं पानी में, अब ये भागने की तैयारी में है हमें लग। हेलो फ्रेंड, मैं सुरेंद्र ओझा स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल ब्लॉगर ओझा में। दोस्तों आज मैं आपको ले चलता हूँ रायपुर का एक प्रसिद्ध तालाब, कछुआ तालाब। तो दोस्तों आपसे निवेदन है, आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए चलते हैं राजपुर का प्रसिद्ध तालाब कछुआ तालाब और देखते हैं कछुआ वहाँ किस तरह से हैं। सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा कछुआ है यहाँ पे, काफ़ी बड़ा कछुआ है और ये भाग रहा है। यहाँ इस तरह के काफ़ी कछुए हैं पूरे तालाब में, आप देखेंगे तो काफ़ी कछुआ हैं। का सरोना तालाब है और यहाँ शिव जी का एक बहुत पुराना 300 साल पुराना मंदिर है। दोस्तों अभी मंदिर बंद है, हम लोग आए हैं तो मंदिर बंद मिला है, लेकिन ये मंदिर जो है 300 साल पुराना शिव जी का मंदिर है। और इसी तालाब के पास, इसी तालाब मंदिर में ही है, तालाब स्थित है सरोना तालाब। इसमें मछलियाँ और कछुए की संख्या, अनगिनत कछुए और मछलियाँ हैं। मछलियाँ तो आपको ऊपर तैरते हुए काफ़ी दिख जाएंगी, देख सकते हैं मछलियों को, और बड़ी बड़ी मछलियाँ भी हैं। कछुओं का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, ऊपर में है अभी, बहुत बड़ा कछुआ है, वो किनारे आ रहा है, देख सकते हैं काफ़ी बड़ा कछुआ है। अभी ये ऊपर में नहीं आया, किनारे पानी के में ही है अभी ये कछुआ, जब ऊपर आएगा तब इसको हम पूरा देखेंगे। ये देखिए बाहर आ रहा है कछुआ भी, लेकिन हम लोग हैं तो ये अभी अंदर ही चला जा रहा है पानी में, देख सकते कितना बड़ा है कछुआ। ये देखिए अभी ये बाहर आ रहा है, ये बाहर आ रहा है, काफ़ी बड़ा कछुआ है, देखिए किस तरह कछुआ बाहर आ रहा है। बोलते हैं इसे दाना डालने से ये बाहर तो आके खाएगा, लेकिन नियम के अनुसार इसे कुछ तालाब में कुछ खिलाना मना है, इसलिए हम इसे कुछ देंगे नहीं दाना होना। ये अपने आप धूप सेकने के लिए बाहर आ रहा है, अब देखिए कितना बड़ा कछुआ है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा कछुआ है, और ये अभी बाहर आ गया है। इस तालाब को ही कछुआ तालाब के नाम से रायपुर में जानते हैं, सरोना में है, काफ़ी बड़ा कछुआ, देखिए इस तरह अनगिनत कछुए यहाँ पे हैं, इतना बड़ा कछुआ है यहाँ पे, पूरे तालाब में काफ़ी कछुआ है। अभी हम थोड़ा नीचे आए हैं लेकिन इसके पास जाएंगे ना तो ये भाग ना जाए, बस इसी चीज़ का डर है। काफ़ी पास आ गए हैं लेकिन अभी ये भागने की तैयारी में है। और ऊपर में देखिए आप, वहाँ पे दो तीन कछुए और तैर रहे हैं पानी में, अब ये भागने की तैयारी में है, हमें लग रहा है कि ये डर गया है थोड़ा। काफ़ी बड़ा कछुआ है ये भी, इस तालाब में ना इस तरह के काफ़ी कछुए हैं, अनगिनत कछुए हैं इस तालाब में। वहाँ पे ऊपर में भी दो तीन कछुआ तैर रहे हैं, कछुआ तालाब में कछुए की संख्या, इसे कछुआ तालाब के भी नाम से बोलते हैं, सरोना में स्थित है और यहाँ बहुत कछुआ है। सुबह सुबह यहाँ आप आएंगे ना तो आपको कछुआ ही देखने को मिलेगा, देखिए किस तरह का ये बड़ा सा कछुआ। यहाँ एक बताया था मैंने पहले भी कि यहाँ एक पुराना कछुआ था जिसकी उम्र बताते हैं 300 साल थी, यहाँ के न्यूज़पेपर में भी आया था, वो एक्सपायर हो गया है। देखिए कछुआ भी डर भी रहा है, लेकिन अब धूप के चक्कर में, वो ना ठंडे का मौसम है तो धूप सेकने के लिए यहाँ सुबह सुबह पूरे कछुआ किनारे में आके बैठे रहते हैं। देख सकते एक तो बहुत बड़ा सा कछुआ है जो अभी बाहर आ रहा है, चलो उसको पास से देखते हैं अगर वो भागे नहीं तो। देखिए पानी के ऊपर में एक कछुआ छोटा सा है जो तैर रहा है, कछुआ का एकदम छोटा सा बच्चा है अभी ऊपर में तैर रहा है। यहाँ हम आए तो बड़ा कछुआ हमें देख के भाग गया है अभी अंदर, और एक मछली भी एकदम ऊपर में।